हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आज आप देख रहे हैं ये हरा भरा पौधा, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसके बहुत बहुत ही इजीली इसको लगा सकते हैं, और मैं आपको ना इसको लगा के भी दिखाऊंगी कि इसको लगाते कैसे हैं। और चलिए आगे जानकारी लेते हैं इसकी। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पौधे की। ये पौधा कौन सा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो पौधा है ये है आपका रियो प्लांट, और इसको बोट लिली भी कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, और आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। बट आप इसको प्रॉपरली आउटडोर नहीं रख सकते, क्योंकि इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो ये थोड़ा जलने लगता है। तो इसको थोड़ा शेडी एरिया पसंद है। अगर थोड़ी बहुत इसको सनलाइट मिल रही है तो भी ग्रो कर जाएगा। अगर इसको सनलाइट नहीं मिल रही है बट वहाँ पर अच्छे से एरेशन है, हवा मिल रही है इसको, तो उसमें तो ये और अच्छे से ग्रो कर जाता है इंडोर में भी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इसकी सॉइल कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सॉइल तो वही बेसिकली हमारी गार्डन सॉइल होनी चाहिए। गार्डन सॉइल में बहुत आराम से ग्रो करता है। अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। अगर पानी होल्ड करके रखेगा, ज़्यादा पानी होल्ड रहेगा इसमें, तो इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं। ये इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो भी ये प्लांट नहीं चलेगा। तो इसका जो पानी बहुत ध्यान रखना है, जब आपकी मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगे तब आप इसको पानी दीजिए, और इसकी लीफ पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर को। ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए इसका। तो गार्डन सॉइल में आप थोड़ा सा सैंड भी मिला सकते हैं, ताकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले, रूट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें पानी इसका। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और इसकी जो बनावट है, ये जो इसके लीव्स हैं, ये काफ़ी खूबसूरत से लीव्स हैं। ये ऐसे पॉइंटेड टाइप के लीव्स हैं, और ये पीछे जो है इसका ये पर्पलिश कलर है। इस पर फ्लावर्स भी आते हैं जब इसकी थोड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। अभी ये नया प्लांट है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लगाए हुए, इसलिए भी हमने इस पर फ्लावर्स नहीं देखे आए हुए। जब भी इस पर फ्लावर्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, इस पर फ्लावर्स आते हैं, हमारे प्लांट पर अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी न्यू प्लांट है इसलिए इस पे प्लांट नहीं आए हैं। और इसकी केयर बहुत ही मतलब आसान है इसकी केयर करना, आपको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। बट हाँ, इसकी वॉटरिंग का बहुत ध्यान रखना है, और जब आपकी मिट्टी सूख जाए उसी के बाद पानी दीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया है, अगर आपका इंडोर प्लांट है उसको थोड़ी सी तो मॉइस्चर चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो सड़ने गलने लगे, ये ध्यान रखना होता है। अगर आप जैसे कभी पानी नहीं दे पा रहे हैं, आप भूल गए हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कब पानी देना है, जब इसकी जो कभी कभी क्या होता है, इसकी जो लीव्स है अगर आपने कम पानी दिया है तो इसकी आगे से जो टिप्स हैं वो सूखने लगती हैं, जलने लगती हैं, तब इसको तुरंत पानी की ज़रूरत है। और ये तो था इसकी मिट्टी के बारे में, और इसको लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसके साइड से ना बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं छोटे छोटे। ये देखिए हमारे इसे जो पौधा है ना, इसमें से भी ना छोटे छोटे, एक मिनट में फोकस कर देती हूँ, ये रहा, ये छोटे छोटे से ना बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। एक एक साइड से ये निकल रहा है, ये इधर से ये निकल रहा है इधर। इनको निकाल के आप अच्छे से कट करके किसी भी पॉट में आप लगा लो, चाहे तो आप इसको बास्केट में लगा लो, जैसे चाहे आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से फैलता है, ऐसे पूरा फैलने लगता है। ये देखिए, ये भी हमारा ग्रो कर रहा है ना, ये अच्छे से फैल रहा है। जो इसका ग्रोइंग सीज़न है, यही एक सीज़न होता है इसका, समर में यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप रेनी सीज़न में लगा रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं ना आपको, हम बास्केट में लगाएंगे। हमने क्या किया था कि जब इसके साइड से बेबी प्लांट निकला था तो वो हमने ना बॉटल में, एक पानी के जार में, ऐसे जार में पानी भर के इसको रख दिया था कुछ दिनों के लिए, तो जब ताकि इसकी जड़ आ जाए, और जड़ निकलने के बाद हम इसको रिपोर्ट कर दें। तो देखिए इसमें ना इसकी जड़ भी आने लगी है, ये ग्रो करने लगा है इसमें भी। इवन देखो ये पानी में भी ग्रो कर रहा है, ये इसकी लीफ भी आ रही है, ये लीफ आ गई है। तो अब हम इसको ना रिपोर्ट करेंगे। ये रही बास्केट, इसमें हमने सॉइल प्रिपेयर कर रखी है, इस वही अपनी गार्डन सॉइल है, सैंड है, उसमें से थोड़ा सा हमने ना कोकोपीट भी मिला रखा है, ताकि थोड़ी सी जो इसकी मिट्टी है मॉइस्ट रहे, इसलिए हमने इसमें कोकोपीट मिला रखा है, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे लगाते हैं, बस अब आप इसको रिपोर्ट करना है। चलिए मैं लगाती हूँ आपको, इसको निकाल के इसमें से, और इसमें सॉइल में अच्छे से दबा दिया इसको बास्केट में। हम इसको ना इस बार इसलिए लगा के देख रहे हैं, हमने लगा तो हम पहली बार रहे बास्केट में, बाकी जो भी हमने इस गमले से रिपोर्ट करें वो गमले में ही करें, दूसरे पॉट में।
हमने एक दो यूट्यूबर्स को देखा है इसको उन बास्केट में ग्रो करके, तो हम भी इसलिए ना इसको बास्केट में ग्रो करके देख रहे हैं। वैसे भी ये फैलने वाला प्लांट है और शेड में भी हो जाता है, इसलिए हम इसको ना बास्केट में लगा के देखते हैं कितना ग्रो करता है, कैसा लगता है। तो अगर हमारा अच्छा ग्रो होगा तो हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे, लेकिन हाँ अच्छा ही ग्रो होगा, हमने देखा भी है क्योंकि हमारे पॉट में इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है तो इसमें भी ग्रो करेगा। तो आप भी अपने डेकोरेशन के लिए या इंडोर रखना चाहते हैं उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको दिखाई दिया है। अब इसको हम पानी दे देंगे क्योंकि अभी हमने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था ना, तो पानी दे देंगे मॉइस्चर के लिए। ये हमारी हार्पिक की बॉटल है, इस पर मत जाइएगा, इसमें हमने पानी भर रखा है ताकि एक साथ ज़्यादा अमाउंट में पानी ना जाए, घर का जुगाड़ू हिसाब है इसलिए। तो आप भी अगर आपके पास खाली बॉटल है तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसको लगा दिया है और अब इसका इसकी जो ग्रोथ है अच्छी, ये बहुत जल्दी से ग्रो करता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस पेड़ के साथ, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसमें टाइम नहीं लगता ग्रो में इसका कि हमें वेट करना पड़े, कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था आपका बॉट लिली और रियो प्लांट, जिसकी केयर करना बहुत आसान है, इसको लगाना भी मैंने आपको दिखा दिया है। और भी कोई जानकारी है आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।